बॉलीवुड के हेमेंद्र धर्मेंद्र के छोटे बेटे और पॉपुलर एक्टर बॉबी देओल इन दिनों काफ़ी चर्चाओं में बने हुए हैं। बॉबी जिन्होंने जब से डिजिटल प्लेटफॉर्म की दुनिया में कदम रखा है तब से लगातार बॉबी फैंस के दिलों पर राज कर रहे हैं और इस दौरान देखा जाए तो बॉबी अपने इंटरव्यूज़ में कई बड़े खुलासे भी करते हुए नजर आ रहे हैं। हाल ही में बॉबी देओल ने एक और बड़ा खुलासा किया है। बॉबी ने अपने एक इंटरव्यू में अपने फिल्मी करियर को लेकर बातचीत की है। बॉबी ने अपने इंटरव्यू में बताया है अपने 25 साल के करियर के बारे में और इस वक्त वह कैसा महसूस कर रहे हैं, ये सब बताते हुए नजर आए हैं बॉबी देओल। दरअसल जहां एक और बॉबी देओल की जिंदगी में बेहद बड़ा टर्निंग पॉइंट आया है OTT प्लेटफॉर्म पर कदम रखने के बाद, ऐसे में देखा जाए तो अब बॉबी ने कहा है, मैंने फिल्म इंडस्ट्री में 25 साल बिताए हैं, आज तक इतना अच्छा रिस्पांस मुझे कभी नहीं मिला जो इस बार मिला है। यह शानदार अनुभव है, ऐसा लग रहा है कि मेरे करियर की शुरुआत अभी हुई है। इतना ही नहीं, बॉबी ने कहा है कि OTT प्लेटफॉर्म ने जो मुझे खुद को आजमाने का मौका दिया है वह दिलचस्प रहा। मैं हमेशा से ही सपने देखता था कि हर सुबह मैं उठूंगा और काम के लिए जाऊंगा और आज ऐसा हो रहा है। OTT प्लेटफॉर्म के चलते मैंने खुद को एक्सप्लोर किया है एक एक्टर के तौर पर और एक फिल्म के साथ मैं यंग जनरेशन के लोगों से अब खुद को कनेक्ट करता हूँ। और इस तरह से बॉबी ने अपने फिल्मी करियर को लेकर अपने फिल्मी करियर में आए नए टर्निंग पॉइंट को लेकर ये तमाम बातें शेयर की हैं। जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि बॉबी देओल ने अपनी वेब सीरीज आश्रम के जरिए धमाल मचा कर रख दिया। साल 2020 में वेब सीरीज आश्रम में बॉबी ने अपनी दमदार एक्टिंग का प्रदर्शन किया और इस सीरीज में बेहतरीन एक्टिंग के लिए बॉबी को दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल से भी नवाजा गया। वर्कफ्रंट के बारे में बात की जाए तो बॉबी जल्द ही आप सभी को नजर आएंगे फिल्म लव हॉस्टल में और इसके साथ साथ आश्रम के दूसरे सीजन में भी। इसके अलावा बॉबी के हाथों में कई और बड़े प्रोजेक्ट्स भी हैं। बॉबी नजर आएंगे फिल्म अपने के सीक्वल में। हमारी इस खास रिपोर्ट में इतना ही, तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।